Good evening and a warm welcome to all of you, fantastic musicians. हमारे म्यूजिशियंस ने तो दिखा दिया कि वो आज की शाम के लिए तैयार है, मगर क्या हमारी ऑडियंस तैयार है? Superb, love this energy. But before we begin, I request all of you to kindly rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Request you all to kindly be seated. Once again, good evening, namaskar, and a warm welcome on behalf of Nandan Enterprises to all Nandan Enterprises Parivar. जी हाँ, मैं परिवार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जहां पर मैं खड़ी हूँ, all I can see is lovely warmth amongst all of you. I'm Rajita, your host for tonight, and it gives me immense pleasure to be hosting this 30th rising day of Nandan Enterprises, a journey which began on 1st December 1991 and has traversed more than 30 glorious years. Can we have a loud round of applause for 3 decades of excellence, please? उसी के साथ स्वागतम, सुस्वागतम, अति स्वागतम एंड अ वॉर्म वेलकम टू एवरी वन ऑफ यू हु हैव टेकन देयर टाइम टू ग्रेस दिस ओकेशन एंड हु हैव हेल्प्ड दिस ड्रीम ऑफ नंदन एंटरप्राइजेस कम ट्रू. एंड नाउ फ्रेंड्स, इट इज द टाइम फॉर लैम्प लाइटिंग सेरेमनी. मे आई इन्वाइट रघुनंदन सर टू प्लीज कम ऑन द डायस for the lamp lighting ceremony, accompanied by Kamya, Kumar sir, and the entire family. Light in our culture is a symbol of abundance, auspiciousness, and prosperity. And as the lamp lighting ceremony is on, I recite this Sanskrit shloka. Deepam jyoti parabrahma Deepam sarvatapumaham Deepam sadhyate sarvam Sandhya deepam namostute. Vakratund Mahakaya Surya Koti Samabrahma Nirvighnam Gurve Devam Sarvakaya
वसुदेव वसुतम देवम कंस चाणूरवर्धन देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु कृष्णम वंदे जगद्गुरु अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी बल्लभ राम नारायण कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं मीरा जैसे बुलाते भक्त मीरा जितना ये शाम एक म्यूजिकल इवनिंग है इट इज ऑल्सो अबाउट नंदन एंटरप्राइजेस नंदन परिवार इजंट इट तो नाउ मे आई रिक्वेस्ट रघुनंदन सर एंड डॉटर काम्या टू प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड प्रेजेंट टू अस मिलियन ड्रीम्स फिल्म कैन वी हैव अ लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज Eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. Away.
gonna be. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, just say that you'll bring me along to the world I see, to the world I close my eyes and see. A million dreams. That's for you. Thank you, Bangaru. You can move back. A very good evening to the Nandan Parivar. Good evening. Good evening. This loud noise is not enough. Itna awaaz se kuch kaam nahi hoga. Good evening. Thank you very much. Thank you so much. Hamare jo well-wishers aaye hain, hamare customers, hamare suppliers, family members, and most importantly, Team Nandan और उनके families, इन सब जो मिलके आज इतने बारिश हो के you know बाहर का कुछ भी problem हो, वो सब भी बात के हम यहाँ पे पहुँचे हैं. And secondly, ये वाला अभी live stream भी हो रहा है, तो जो भी live देख रहा है, thank you very much, क्योंकि ये सब इनका support के बिना ये कुछ नहीं हो सकता था. जो 30 years का million dreams का गाना गाया, मैं जिनेश भाई आपके साथ कम्पीट करने को नहीं आया हूँ. मैं गायक नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ. बट 4.5 मिनट में कैसे 30 साल के मेमोरीज को यू नो इकट्ठा करना, उसमें ही एक चैलेंज था. बिकॉज जब भी ये मूवी मैंने बनाया बैठ के, तभी भी कितना ध्यान आया कि 30 इयर्स दिखने में तो बहुत लंबा है, बट 30 इयर्स में ईच साल में 365 डेज मल्टीप्लाइड बाई 30, एंड ये सब जब हम देख रहे हैं, जो हम सेलिब्रेशन यहाँ करने को आए हैं उसका माइलस्टोन 30 इयर्स के लिए ही हमने आज यहाँ मिलने की ठान ली है. बट हम सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं? बेसिकली मिस्टर जेसी कुमार चेयरमैन, माय बॉस, माय फादर, हिज हार्ड वर्क एंड हिज डेडिकेशन. आई थिंक लेडीज एंड जेंटलमैन, राउंड ऑफ बिग अप्लॉज फॉर हिम, द जर्नी दैट ही इज डन, which has begun with a single dream, a single thought, उससे million dreams बना के और उसमें hard work करके complete करके बाकी लोगों को भी तैयार करके, and at the last giving me the authority to take it over, that I think is a journey and a story by itself. Thank you, Dad, for the hard work that you put in. Congratulations on the 30th birthday. So छोटा सा just story, मतलब ऐसे लाइन में अगर दिया जाएगा तो फिर 1948 में उनका जन्म हुआ, तो 73 इयर्स ओल्ड, 73 इयर्स यंग, जैसा आप देखना चाहो उस हिसाब से, यू नो इट्स बोथ इज राइट. फ्रॉम 6 साल की उम्र में उनकी मम्मी एक्सपायर हुई थी, तो ही वाज फोर्स्ड टू गो एंड स्टे विद रिलेटिव्स, डिफरेंट रिलेटिव्स. तो मैंगलोर में एक टेम्पल है, मुख्यप्राणा टेम्पल, वहाँ पे वो रहते थे. दिन में स्कूल या कॉलेज जाते थे एंड शाम को वहीं पे उनको काम करना पड़ता था, बिकॉज देर आर नो फ्री लंचेस. एंड वहाँ से मतलब कंप्लीट, जब भी उन्होंने ऑटोमोबाइल इन डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया 1964 में, उनको लगा कि बॉम्बे आना है, स्वप्न नगरी. तो बॉम्बे बिकेम रिचर विद योर दैट डिसीजन दैट, सो ही केम टू बॉम्बे.
बॉम्बे में आते ही उनको मतलब बहुत जॉब्स ढूंढे, लाइक एवरी फ्रेशर, तभी तो जीईटी टर्म भी नहीं था, बट हर जैसा फ्रेशर जॉब्स ढूंढता है उन्होंने ढूंढा, उनको जॉब बेसिकली मिला नहीं, तो उनका फर्स्ट जॉब उन्होंने लिया एक पेट्रोल पंप में अटेंडेंट की नौकरी की। 6 महीने वहाँ पे काम किए विथ फुल डेडिकेशन, विथ फुल रिफाइनमेंट, बट विथ फुल डिग्निटी। आई थिंक दैट इज वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई लेसन। भांडूप में मंगलराम पेट्रोल पंप है, जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ मैं लेफ्ट साइड मुड़ के देखता ही हूँ, सल्यूट मारता हूँ कि आदमी वहाँ यहाँ रह के भी कैसे उसका लाइक यू नो डिटर्मिनेशन और ड्राइव टूटता नहीं है और उससे लीफ्रॉग करके आगे निकलेंगे। उसके बाद उन्होंने साइन गैरेज में काम किया बहुत साल। साइन गैरेज में आई थिंक उनका तभी पोस्ट जो भी हो, इंजीनियर या प्लांट मैनेजर या जो भी हो, बट आई थिंक उनका तभी राइट पोस्ट हुआ रहेगा इंट्राप्रनर। इंट्राप्रनर का मतलब होता है जो किसी और की कंपनी में काम करता लेकिन उसको अपना कंपनी मानता है और उस हिसाब से उसमें एफर्ट्स डालता है और उस हिसाब से रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो वहाँ पे 18 या 19 ईयर्स काम करने के बाद 1988 में कंपनी का लॉकडाउन हो गया, थैंकफुली दत्ता सामंत ने कुछ तो अच्छा किया होगा बट हमारे लिए थैंकफुली, बट उस समय 1988 में जब वो ऑफिस पहुंचे देखा गेट बंद, स्ट्राइक हुआ है तो क्या करना है नेक्स्ट। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि खुद का कुछ करेंगे, तो नंदन मेरा नाम था, बहुत क्रिएटिव नहीं थे फादर ऐसे तो बोला चलो बेटे का नाम क्या रघुनंदन, उसको आधा कर दो नंदन लगा देते हैं, और एंटरप्राइजेस क्यों, क्योंकि उनको लगा कि हमको अभी एंटरप्राइजिंग बनना है, तो नंदन एंटरप्राइजेस कंपनी का नाम हो गया, तो दैट इज द जेनेसिस ऑफ द नेम। उसके बाद 1991 में उन्होंने मरोल में एक छोटा सा गाला लिया नंदनधाम इंडस्ट्रियल इस्टेट में। इसमें एक स्लाइड था जहाँ पे उनका फर्स्ट जॉब जो था वो एक नंदनधाम में एक गाला था उसमें लॉफ्ट बनाने का काम था। यहाँ पे जो केसी शेट्टी अंकल है उनके फर्स्ट कस्टमर है, आई थिंक उनके लिए जोरदार ताली। तो एंड ही वाज नाइस एनफ टू कम टुडे विद अ रिक्वेस्ट, तो उनके लिए उन्होंने लॉफ्ट बनाया जो अभी भी चालू है, तो परसों उनको वहाँ लेके जाके उसके साथ मैंने फोटो निकलवाया कि लॉफ्ट अभी भी स्ट्रांग है। सो ये सब उन्होंने जब भी चालू किया, ना उनके पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट था, ना अकाउंट्स, ना HR, ना सेल्स, ना डिज़ाइन, प्रोडक्शन, PPC, QC, पोस्ट इंस्टॉलेशन सर्विस, इतने सारे अभी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं पीछे के, बहुत सारे लोग एक एक हाथ उठा के बोल देंगे, बट उनके पास ना वो एक भी नहीं था। ही वॉज अ वन मैन शो, ही वॉज CEO, CFO, CO, तीनों साथ में, लेकिन पगार हर एक का मिलता नहीं था, पगार लिटरली लाइक यूज टू टेक वट एवर लेफ्ट बैक। सो फ्रॉम दैट बिग स्टेप दैट ही टुक, वहाँ से हमने कस्टमर्स को देने चालू किए, उन्हें आगे बढ़ के हाईलिफ्ट नाम का एक प्रोडक्ट है तो उसमें उन्होंने मास्टरी कर लिया था, क्योंकि उसके पहले साइन गैरेज में उन्होंने ही हाईलिफ्ट का पूरा कंट्रोल लिया था, बट उसके बाद हाईलिफ्ट बनाते गए, बाकी के सब लिफ्टिंग सिस्टम्स बनाते गए, एंड यू नो दिस जर्नी वेंट ऑन। 2000 में मैं जब भी मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो मैं US गया पढ़ने, मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग Texas A&M में पढ़ा। तो इसका एक मैं हमेशा मेरे लोगों को भी वही बोलता हूँ कि भले ही आप 2 दिन खाना नहीं खाए चलेगा, अपने बच्चों को जो तुम्हारा हैसियत है उससे एक लेवल ऊपर वो टाइप के कॉलेज या स्कूल में डालो, उनके एजुकेशन पे खर्चा दो, उनको भले ही टॉयज ना दो, उनको फॉरेन वेकेशन पे मत लेके जाओ, उससे उनके ज़िंदगी में फ़र्क नहीं गिरेगा, बट उनको जो एजुकेशन देना है वो एजुकेशन उन्होंने मुझे दिया, तो मैं इन मतलब मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग Texas A&M में करके 2003 में वापस आने का मैंने जब भी डिसीजन लिया, आई रिमेंबर 30th May वॉज अ डेट मैं लैंड हुआ इंडिया में, एंड फ्रॉम 1st June मैं एक्चुअली ऑफिस गया। मैं ऑफिस में देखा कि 1100 स्क्वायर फीट का फैक्ट्री है, 20 लोग हैं, बेल बाजार में और एक छोटा सा रेंटल प्रमाइसिस है, तो मैंने बोला डैड फर्स्ट स्टेप्स वही था कि बहुत छोटा है, 15 साल स्ट्रगल करके इतना ही बनाया, बट जब भी मैं उसमें गिरा तभी समझा जैसे बोला है एवरी रूम इनसाइड इज फिल्ड विद थिंग्स फ्रॉम फार अवे, देयर इज अ हाउस यू कैन बिल्ड, उन्होंने वो फाउंडेशन डाली है। तो आज जो भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है उनके लिए सैल्यूट है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से खुदा, इनफैक्ट सैल्यूट के लिए इट्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज उन्होंने खुद के हाथों से खोदा है, खुद ही रीबार डाला है, खुद ही RCC भरा है, खुद ही कॉन्क्रीट बना है, खुद ही फाउंडेशन बना के उन्होंने उसके ऊपर बना के लिया, और दिखने में तो दिखता ही नहीं है, फाउंडेशन
सिर्फ जमीन में दिखता है, तो कोई बाहर वाला जो भी आके बोल सकता है इनसेंसिटिवली, अरे 15 साल में बस इतना ही हुआ है, बट जब ही खुद करते हैं तभी समझता है कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इतना डिफिकल्टीज है, बट क्या आगे जाना है। तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ बोला था, अभी मैं बाहर नहीं निकलूंगा, तुझे जितना बढ़ाना है तो बढ़ाने ले, मेरा ब्लेसिंग तेरे साथ है। तो मैंने फर्स्ट उनको बोला हमको बड़ा जगह चाहिए, तो बोला जाके ढूंढो। तो राइट फ्रॉम लुकिंग अप द प्लेस टू गेटिंग द डील डन, गोइंग टू यू नो बैंक लोन लेना, उसमें उन्होंने सब में गाइडेंस दिया है। एंड 2005 में हमने तुरबे लगाया, 2010 में हमने खपोली लगाया, तभी रियलाइजेशन एक आ गया कि यू नो वन मैन शो, आई मीन एक तो था कि मेरे लिए मेरे रोल मॉडल पिताजी थे, तो डैड सब करते थे, खुद करते थे, वाज मास्टर ऑफ एवरीथिंग, तो बट उनसे कंप्लीट अगर करने जाए दूसरे को लेंगे कोई इतना अच्छा काम तो कर ही नहीं पाएगा, तो अगेन इट वुड बी अ वन मैन शो। तो समवेयर मैं भी आने के अबाउट 10 साल के बाद मुझे रियलाइजेशन हो गया कि लुक अपने को अभी टीम बनाने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा वन मैन शो बन के मुझे और एक 15 साल फाउंडेशन से एक माला नहीं बनाना है, क्योंकि उन्होंने जो हार्ट से फाउंडेशन बनाया उसके ऊपर स्काईस्क्रेपर खड़ा हो सकता है, तो नंदन स्काईस्क्रेपर बनेगा कि 2 माले का बिल्डिंग बनेगा, स्काईस्क्रेपर एग्जैक्टली। तो हमारा विजन है कि हमको स्काईस्क्रेपर बनाना है, तो उससे हमने इवॉल्व एवोल्यूशन कर लिया, तो दूसरे लोग से पूछ के, हमने दूसरे लोगों से समझ के गाइडेंस लेके वी स्टार्टेड बिल्डिंग टीम। सो उस टीम के लिए हमारे साथ जो यू नो लोग जुड़ते गए, हमारे साथ जो यू नो डिफरेंट पीपल आते गए, अलग अलग डिपार्टमेंट बनते गए, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, बिकॉज कोई भी आके हमको रेडीमेड बुक तो नहीं दे सकता कि ये बुक है अभी पढ़ो और इसके हिसाब से चलाओ तुम सक्सेस बनोगे, क्योंकि जिसने नहीं तो बुक लिखा होगा वो खुद अभी तक मल्टी बिलियनर बना होगा, अंबानी के नाम का कभी आपको बुक नहीं मिलेगा क्योंकि उसने अपना सीक्रेट सब सीखा है एंड बाद में कोई और लिखता है। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जाते हुए तो एक टाइम पे ऐसे भी आ गया कि व्हाट गॉट यू देयर वोंट गेट यू देयर, मार्शल गोल्डस्मिथ का एक कोट है, उसका मतलब है कि हम जैसा काम करते आ रहे थे वैसा करके आगे बढ़ नहीं सकते। तो उस टाइम जो पैराडाइम शिफ्ट हमको चाहिए था कि मेरे को वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट करना है, तो बहुत सारे फ्रिक्शन होते हैं, अगेन सेकेंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन के बीच में हर एक कंपनी में स्टोरी कॉमन ही है, होना ही है, क्योंकि दोनों की सोच अलग है। बट इवन एट दैट टाइम आई थिंक जब भी जिस साल 40 ईयर्स मेरा हुआ था, उस जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन डैड और मैं ऑफिस में मिले थे, तो उन्होंने मेरे को बोला ओके तो अभी से MD एंड CEO तू। सो दैट आई थिंक इज ग्रेटनेस दैट ही लेट गो, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज यू नो बिग फैक्ट। बट मैंने उनको वही बताया देखो अभी कंट्रोल मेरे को करना, तो आप बीच में इंटरफियर नहीं करोगे, मेरे को मेरे वे से चलाना है, क्योंकि आपके वे से हमने अभी ऑलरेडी कितना साल किया हुआ है, अभी हम वहां तक ही पहुंचे हैं, बट मेरे को तो पहुंचना बहुत ही ऊंचा है। तो उस समय उन्होंने बोला ठीक है मैं अभी आऊँ, मैं अगर रोज आऊंगा तो फिर मैं डेफिनेटली इंटरफियर करूंगा, मैं अभी से रोज नहीं आऊंगा थोड़ा थोड़ा आऊंगा, वी हैव बोथ अग्रीड, एंड दैट इज वेयर आई थिंक रेस्पेक्ट फॉर द अदर इंडिविजुअल, बिकॉज ही इज 73, बट 73 इज जस्ट अ नंबर, ही स्टिल वेरी वेरी एक्टिव, आज भी उनको बोला 8 घंटा फैक्ट्री में खड़ा रहना, खड़े रहेंगे विद फुल विगर एंड विद फुल स्ट्रेंथ। तो आई थिंक दिस होल गैदरिंग जो भी यहाँ आए हैं, जो हमारी नींव हुई है नंदन में, उनका एक वो एक छोटा सा ड्रीम, छोटा सा ड्रीम लेके जो मैग्निफाई किया हुआ है, एंड आगे जो हम लोग अगले 30 साल या 40 साल या 50 साल जो भी चलेंगे, तो बेसिकली जैसा यू नो वैल्यूज जो सेट हुआ है उसमें ही सेट होगा, जो मेरा इंटीग्रिटी है उन्होंने जो मेरे को सिखाया उससे ही मैं आगे बढ़ूंगा और मेरा पूरा टीम आगे बढ़ेगा। जो हम लोग हार्डवर्क बात करते हैं, परसिवियरेंस बात करते हैं, उसी से ही हम लोग लेके आगे बढ़ने वाले हैं। एंड एट द सेम टाइम हम लोग हमेशा वैल्यू देखेंगे, वैल्यू का मतलब है मेरा कस्टमर को मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो L1 के गेम में हम कभी नहीं भागे हैं, नंदन कभी L1 गेम में भागेगा नहीं, एंड आई मीन भागा नहीं है और भागेगा भी नहीं, बट एट द सेम टाइम हम लोग कस्टमर को आगे से कन्विंस करेंगे कि वैल्यू सिस्टम क्या है एंड हमारे ओर से आपके जिंदगी और आपके बिजनेस में क्या इम्प्रूवमेंट आएगा। हम जब भी वो बता रहे हैं आज के तारीख में एक लिटिल ग्लिम्स, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें हैं, स्पेशली परिवार वाले या जो बाहर से आए हैं या जो हमारे सप्लायर्स हैं, थोड़ा बहुत ही जानते होंगे नंदन के बारे में, तो उस लिए हम आज के तारीख में सिंस हमारा 30 ईयर्स हो रहा है, मैं चाहता हूँ एक 6 मिनट आप देख लीजिए हमारा न्यू कॉर्पोरेट फिल्म अनवीलिंग के लिए।
With your permission, Dad, here it is. Welcome to the future of specialized handling systems by Nandan GSE. What began in Mumbai over three decades ago by founder J.C. Kumar has now brought Nandan GSE Private Limited to a place of pride in the hearts of our customers and stakeholders. After three decades of innovation, tailor-made products, and dedicated service, we are now forerunners in transforming ideas into execution. Aviation ground support equipment that surround the plane when on ground and help in safe handling of the passenger. Aerospace and defense systems, which improve the safety and reliability of mission-critical systems. For the armed forces, specialized in-plant handling systems which improve the productivity, performance and safety of the factory operations that help you save time, money and effort. Truck loading solutions that help to load and unload trucks and containers with effortless ease and safety, thus helping your logistics operations. Car parking systems which help the high density parking and retrieval. Service offerings to ensure your equipment's uptime and long service life. At Nandan GSE, it is our committed investment in people, processes and infrastructure which anchors our agility and capability. Our team includes over 200 highly motivated professionals spread across our self-owned factories around Mumbai, which is the core of Nandan GSE. Our factory is built with efficiency and love and is a live working example of a vertical factory. Our key strength lies in our people who go the extra mile to create new milestones. Each department headed by a leader perseveres to improve the key performance indicators through collaborative planning and execution. Cross-functional learning and goal setting with rigorous coaching and reviews helps to make sure the ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 processes are followed and Kaizen or continual improvement becomes the way of life for us. We invest into the sustainable future for ourselves as well as the environment. There are energy-saving measures and using the latest efficient machines. Our factory will run with solar green energy to 60% of the requirement. We believe in the four magic values: safety, quality, on time, and happiness for our people. We at Nandan GSE strongly believe that learning is the only way to stay ahead of the curve. We invest extensively in offering the best quality of coaching, mentoring and training. We have our own knowledge and learning management system, also integrated with our cloud-based ERP. Nandan GSE has been awarded and recognized many times over by business leaders as well as publications and government. Each accolade only inspires us for betterment. Having completed 30 glorious years at the Nandan Group, we are now raring to deliver value through Make in India and Make for the World. We are ready with world-class infrastructure and processes and are ably supported by our supply chain partners. Nandan's iconic founder and chairman, Mr. J.C. Kumar, a father figure to all of us and a legend in the industry, to whom we owe our core values and whose vision of an ethical, innovative and dynamic company is always our driving force. The Managing Director and CEO, Raghunandan Jagdish, is a Master's in Mechanical Engineering from Texas A&M University, who is a passionate thought leader committed to taking Nandan GSE to the next level in every aspect.
It is his passion to help businesses understand the value of investments in the right equipment and make the switch to better profitability. We at Nandan strive to improve the productivity, performance and safety of our customers by helping them save money, time and efforts. Our investments have ensured that we are known for our quality, reliability and after-sales service. Nandan GSE, where your expectations are surpassed and improve consultative in selling, rooted in values, excellence in execution, supporting in lifelong relationships. Nandan GSE, celebrating 30 years of raising the bar. Thank you for the movie, Prakash. So the guy who's directed and made the movie is also sitting here. Prakash, he's come all the way from Baroda. Thank you. So, you know, aapne jo history, jo humne seekha hai, sir ke baare mein, and jo humne bataya hai. So basically, history ke baare, history hum kabhi bhi study karte hai taake aage हम लोग जो अच्छा किए हैं उसको मल्टीप्लाई करें, जो हमने मिस्टेक्स किए हैं उसको दोहराए नहीं. तो उस हिसाब से बहुत ही सारा लर्निंग जो 30 इयर्स में हुआ है कॉन्स्टेंटली सीख के हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं. तो नंदन जो यू नो 2.0 हमने लास्ट ईयर चालू किया था जब भी कोरोना हुआ, बहुत ही डरावना टाइम था सबके लिए. इनफैक्ट आज आई एम श्योर बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है ऑडिटोरियम में पहले बार घुसे होंगे पोस्ट कोरोना, राइट? थिएटर या ऑडिटोरियम में पहली बार आज घुसे होंगे आप. एंड आई थिंक इवन फॉर मी, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब भी होता है यू नो घबराना बहुत ही करेक्ट है. बट आई थिंक हमने जो स्टेप्स अभी लिए हैं, हमने डिसाइड किया कि पुराना जो फैक्ट्री है उसको पूरा यू नो डेमोलिश करके, जो आपने अभी वीडियो देखा है फुल फ्लेज्ड वर्टिकल फैक्ट्री हमने जो बनाया है, इट वॉज डन विद अ लॉट ऑफ रिस्क. बट एक टोनी रॉबिन्स का स्पीच एक कोट जो है वो है, it is better to risk it rather than regret it later on. So usi you know base hai, that se wapas main hamesha advice ke liye unke paas jata hu, yes no answer ke liye, but plan ke sath. To pura humne plan banaya tha, humne decide kiya ki abhi karte hain aage jaake, we actually did this and that is justified. So jo bahut hi difficulties se humne kiya hai, humko malum hai kitna difficulties hai, isme jo support humko mila hai from our family, who has family and friends who has supported us in ways morally, financially, so that we can you know take this step forward. Jo dream ko execution mein karne ke liye paisa hona zaruri hai. Secondly, our bankers, Union Bank of India, did help us even in this entire pandemic. I think they deserve a round of applause because a lot of things that we did, banker jo hamara hai, unke wajah se hua hai. Third and I think very very important one is our supplier base. Bahut sare hamare you know suppliers जो आज हमारे साथ अभी है या लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, आई थिंक दिस एंटायर थिंग इज फ्रॉम योर साइड. हमारे पास ऐसे भी सप्लायर्स हैं जो 30 साल से हमको कंटिन्यू सप्लाई करते जा रहे हैं. हमारे पास सप्लायर्स ऐसे हैं जो हम जितना स्ट्रेच करके उनसे हमको मांगने की झिझक होती है कि यू नो इतना और मटीरियल चाहिए, हमको इतना और क्रेडिट पे चाहिए, बट वो लोग बेझिझक हमको सप्लाई करते हैं. सो अगेन वो एक ही चीज़ की वजह से, वो एक बिलीफ. आई थिंक जो कुमार साहब ने जो जर्नी स्टार्ट किया था एंड उसके बाद जो हम कर रहे हैं एंड बाकी का प्रोसेसेस डाल के हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बिलीफ सिस्टम से ही आके जितने हमारे यू नो सप्लायर भाई बंधु है उनके लिए डीप ग्रैटिट्यूड एंड प्रे बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. थैंक यू फॉर सपोर्ट देयर. दिस कस्टमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कस्टमर के ऑर्डर के बिना हम लोग तो R&D ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, ना हमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. सो ये इवन ड्यूरिंग कोरोना जो हमारे एक एक ऑर्डर्स आए, एक एक क्लाइंट जो आए, डीप ग्रैटिट्यूड वी आर देयर विद देम. एंड जो वैल्यू सिस्टम हम लोग कस्टमर्स के साथ डिस्कस करते हैं उसका एग्जैक्टली देयर एक इसमें भी एक आधा स्लाइड में आपने देखा होगा, मैंने एक्चुअली रतन टाटा को मेल लिखा था उनको बताने के लिए कि वी आर कंप्लीटिंग 30 इयर्स एंड आई वांटेड टू गो एंड मीट हिम एंड टेक हिज ब्लेसिंग्स पर्सनली, बट ही डिड रिप्लाई बैक सेइंग एट दिस टाइम ही इज नॉट मीटिंग, बट बेस्ट विशेस टू टीम नंदन on 30 years forward. So I think it's a big achievement getting a reply back, maybe 2 days in the
मैंने उनको मेल लिखा और दो दिन के अंदर मुझे आंसर भी आया. मीन्स हमने उनके लिए जो भी किया है, उनके घर पे हमने कार पार्किंग सिस्टम लगाए, तो हमने जो भी किया है वी मस्ट हैव डन समथिंग राइट. एंड ऑफ कोर्स वी सपोर्ट अ लॉट ऑफ टाटा ग्रुप कंपनीज व्हिच इज समथिंग दैट ही नोस. आज इनफैक्ट आई वॉज होपिंग द कस्टमर वुड कम बट दे वर नॉट एबल टू मेक इट ड्यू टू द रेन्स. बट आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू जे सी कुमार सर, इट्स अ सरप्राइज फॉर यू ऑल्सो. We just got an order for 12 new Hilux today on the rising day of Monday, which we will make and we will deliver. So the order got confirmed today. I got the PO in the mail just some time back, and they called me and congratulated me and told me to tell you that it's there. So I think customers have always stood by us. They understand we will never be L1, and they understand the value that we bring onto the table. Because main customer ko ek hi bolta hu. जो डिफरेंशियल 1 lakh आप बोलते हो कि यू नो लेट्स से देयर इज अ गैप बिटवीन मी एंड द नेक्स्ट सप्लायर ऑफ 1 lakh rupees. सो फॉर एवरी लैक इफ यू अज्यूम दैट द इक्विपमेंट इज गोइंग टू लास्ट फॉर 15 इयर्स इट इज गोइंग टू रफली कम टू अबाउट 17 रुपीज पर डे. सो मेरा कस्टमर को एक ही क्वेश्चन रहता है, आप 17 रुपया पर डे मुझे एक्स्ट्रा पे नहीं करोगे क्या फॉर माई क्वालिटी रिलायबिलिटी आफ्टर सेल सर्विस? एंड द आंसर इज ऑलवेज येस वी विल डू इट एंड वी कंटिन्यू ऑन विद दैट. तो टीम आई थिंक ओनस आपके ऊपर है कि ये कभी नीचे गिरने मत दीजिए. जो आपसे हम लोग ऑर्डर्स लेते हैं उसको कभी हमको डाउन नहीं करना है. तो विच अगेन वर्क्स अप, वी हैव अ फैंटास्टिक टीम टुडे. नंदन इज 200 पीपल 200 प्लस एंड ग्रोइंग. सो अभी भी मेरे ऑलमोस्ट यू नो रिक्रूटमेंट लाइनअप में ऑलमोस्ट अबाउट 20-30 रेज्यूमेज लाइंड अप है वेयर वी विल अगेन ऐड अनदर 5-6 पीपल एंड वी आर लुकिंग टू ग्रो. सो जो कोरोना में सब लोग बोल रहे हैं कि पीपल आर गेटिंग फायर्ड, पीपल आर लूजिंग जॉब्स, पीपल आर कटिंग सैलरीज, आई कैन टेल यू दैट इवन इन दिस टाइम नंदन हैज मेड श्योर दैट वी पेड आर टैक्सेस, वी हैव मेड श्योर दैट सैलरीज आर पेड टू आर वर्कर्स एंड वी हैव आल्सो एक्सपेंडेड. सो ओनली मे बी फ्रॉम वन काउंट मे बी सप्लायर्स वी हैव नॉट बीन एबल टू पे एज प्रॉम्प्टली एंड एज वेल एज वी वुड हैव लाइक. बट आई थिंक 1-to-1 वी हैव स्पोकन टू ऑल ऑफ देम सेइंग लुक दिस इज अ स्टेज पॉइंट, इसके आगे जो जंप होगा. एंड हमारे साथ जो तभी हमको जिसने सपोर्ट किया हम उनके साथ ही काम करने वाले हैं. तो आई थिंक फ्यूचर इज ब्राइट फॉर टीम नंदन एज वेल एज आई ऑलवेज कंसिडर सप्लायर्स टू बी पार्ट ऑफ टीम नंदन एनी विच वेज. तो हम उनको फैक्ट्री में लाके हम उनके साथ डिस्कस करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उनके प्रोसेसेस को बढ़ाने को देखते हैं. तो आई थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन. सो राइट फ्रॉम प्री सेल्स एंड मार्केटिंग हमारे पास फैंटास्टिक डिजिटल, ये जो सब आप देख रहे हो दिस इज ऑल डन बाय बेसिकली कॉल्ड अ थर्ड पार्टी सप्लायर कॉल्ड डिजी लोकल, बट वो है मेरा ही पार्ट जैसा. उसको मेरे ऑफ चार्ट पे भी मैं डालता हूँ कि इज पार्ट ऑफ माई मार्केटिंग डिपार्टमेंट. सो राइट फ्रॉम मार्केटिंग टू सेल्स, सेल्स इज आर स्ट्रॉन्ग पॉइंट. वी आर ऑलवेज मेकिंग श्योर वी गो टू द कस्टमर विद द प्रोसेस एंड गेट गोइंग. वहां से वी गेट इन टू डिजाइन विच अगेन इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो ये हर एक डिपार्टमेंट में अभी थोड़े थोड़े हम लोग ने लीडर्स को डाले हैं. लीडर्स को मैं कोच और ट्रेन करता हूँ ताकि वो लोग बढ़े. ऑल दिस बिकॉज वी हैड अ फाउंडेशन. अगर फाउंडेशन वीक होता तो बिल्डिंग कभी खड़ा नहीं होता. तो टुडे सेलिब्रेशन इज नॉट जस्ट अबाउट द फ्यूचर, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द पास्ट, इट इज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग द पास्ट एंड देन गोइंग इनटू द फ्यूचर. सो लेडीज एंड जेंटलमैन आई वुड लाइक फॉर मिस्टर कुमार प्लीज कम ऑन स्टेज. So again, I think in this role here, more than my father, he's like my boss, which is what I address him as. I try to be as professional, even at work. हम लोग तुलु में ज़्यादा बात नहीं करते. I talk to him in English or Hindi itself. Try to make that decorum, you know, as it is. So it's like I said, 73 is just a number. And आज के कोई कोई अपने बच्चे लोग आते हैं बोलते हैं वी ट्रैवल्ड वन डे पीठ दुख रहा है छुट्टी वुट्टी. बट आई थिंक इन 30 इयर्स आई हैव नेवर रिमेंबर्ड हिम सेइंग आई हैव बीन इल सो आई एम गोइंग टू सिट एट होम. कभी नहीं हुआ है सर. बीमार अगर हुए हैं झंडू बांध लगाए एंड ऑफिस पहुंच जाएंगे. सो दिस इज द एपिटोम ऑफ हार्डवर्क, एपिटोम ऑफ इथिक्स. ही इज नेवर चीटेड एनीबडी फॉर एनीथिंग. ही वुड इफ वी डू द जॉब एंड उसमें अगर भले पैसा भी नहीं हुआ बट अगर हमसे गलती हुई है ही वुड हैव इवन रिप्लेस्ड इट अप.
द वैल्यू सिस्टम्स आर पुट इनटू प्लेस. जो रिलेशंस है अभी जो सब यहाँ आ रहे हैं दे आर ऑल कमिंग बेसिकली बिकॉज ऑफ रिलेशंस. तो किसी भी टाइम पे वी हैड एन ओपन डोर पॉलिसी. उनके जो फर्स्ट जब भी उन्होंने स्टार्ट किया, अभी आप देखोगे थोड़े टाइम में जब भी उन्होंने स्टार्ट किया उनके साथ जो लोग थे आज भी कंपनी में काम कर रहे हैं 30 इयर्स लेटर, यू नो दे आर स्टिल देयर. I will come out with a name. So that again shows that you know Nandan is not a company ke koi aaya do saal mein nikal ke you know chala jayega. We have brilliant long service awards humne jab bhi karne ka planning kiya hua. So at that point of time jab bhi list banaya to bhi actually samjha ke there are 60 people out of I wouldn't say 200 right now. I would say 110 because corona ke pehle 110 employees the. 110 employees mein 60 people are there who are about 10 years old in the company. So that itself speaks a lot of volumes ke jo aa rahe hain they are growing along with the company. That is the reason why they're staying up. And more than 25 years, more than 20 years, more than 15 years, there's a long list of names. So this relationship with employees going down and making sure that they're all well, आपकी जो कैरियर चाहते हैं वो, एंड जो बहुत सारे यू नो गुड स्कीम्स दैट वी कम आउट, वेदर इट इज अबाउट LIC दैट वी गेट इट फॉर यू, वेदर इट इज अबाउट मेडिक्लेम, वेदर इट इज अबाउट यू नो हैविंग टी 3 टाइम्स अ डे. मैं बहुत सारे मल्टीनेशनल फैक्ट्रीज को जानता हूँ जो दिन में 2 चाय देते हैं, एंड इनफैक्ट मैं और एक फैक्ट्री को जानता हूँ जो टी उसका बेटा ने आके कुछ तो एक एक्सेल पे कैलकुलेशन किया, बोला हम लोग अगर एक चाय काटेंगे तो हमारा साल में इतना सेविंग होता है. तो हम तो सोचते भी नहीं, हम तो तीसरे चाय के साथ बिस्किट ऐड करने का प्लान करते हैं. तो ऑल दोस थिंग्स आर कमिंग यू नो, वो सब जो सब सोच है उनके बैकग्राउंड से आ रहा है कि कटिल जैसे छोटे से गांव मैंग्रोव में वहां से आ रहे हैं. उन्होंने आई थिंक 17 साल की उम्र में उनका फर्स्ट फुल पैंट लिया होगा. आज भी अगर देखो तो यू नो जब भी कपड़े खरीदने हो क्या ये हो करते भी नहीं है, खर्चा भी नहीं करना चाहते. He sees the difference between need and desire, and same goes. But factory में डालते वक्त हमने सब हमेशा best of the best डाला हुआ है. We are doing the best for our people, and I think going forward, the people who are associated with Nandan, all of you deserve a big round of applause because you are here. And last but not the least, हम जितना भी करें बैकग्राउंड में हमारा फैमिली होता ही है. वेदर इट्स अबाउट मम्मी हु हैज ऑलवेज बीन देयर विद डैड, वेदर इट्स मी विद माय यू नो वाइफ एंड चाइल्ड, वेदर इट्स अबाउट आप सब लोग फैक्ट्री में 8-10 घंटा काम करते हो रोज, जब भी ट्रैवलिंग टाइम सब निकालो घर में वी आर बेयरली देयर फॉर लिटिल टाइम. सो ऑल द टाइम योर फैमिली इज हु आर देयर टू सपोर्ट यू, दैट आई थिंक यू नो इज फैंटास्टिक. तो इसके लिए हमने कभी भी टीम नंदन इज प्रोफेशनल, नंदन परिवार इज अबाउट एवरीबडी एल्स टुगेदर. तो नंदन परिवार आज 600 लोग टोटल है, हमने जो भी टोटल मारा है 600 लोग है नंदन परिवार में एज ऑफ नाउ यहाँ पे या ऑल ओवर. एंड हमारा आगे का ड्रीम्स डेफिनेटली है ऑल इंडिया, गोइंग टू द वर्ल्ड, डूइंग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, डूइंग फंटास्टिक चीज जो इंडिया में और कोई नहीं कर सकता, हमको करना है, वो करने की इच्छा है एंड अभी करने का प्रोसेस है एंड करने की ताकत भी है. तो आई वुड लाइक For firstly, we will do the long service awards. So I would like for Dad to talk last, not now. I will not let you speak now. After everything is done, I want him to give his sagely advice. So I would like for us to, you know, acknowledge. So I would like for the long service awards that we are doing. I would like for you. Yeah, I'll take it over from here, sir, with your kind permission. एंड बिफोर वी मूव अहेड एक बात पूरे दिल से कहना चाहती हूँ कि स्टैंडिंग हियर इन द विंग्स फॉर मी एज एन ऑडियंस एंड नॉट बीइंग एन इनसाइडर ऑफ टीम नंदन परिवार, मुझे ऐसा लग रहा था कि देयर वाज लॉट ऑफ लर्निंग, बहुत सी सच्चाई थी आपकी हर शब्द में, सच्चाई झलक रही थी. कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर प्लीज. सर, इन द वर्ड्स ऑफ जॉन मैक्सवेल, ही सेज दैट लीडरशिप इज नॉट अबाउट कैपेबिलिटीज, द मैटर यू कैरी, इट इज अबाउट द way you inspire others, and that is what it showed to us here today. Thank you, sir. Thank you so much. Aur pure Nandan parivar ke liye
सर के लिए, बड़े सर के लिए यही कहूंगी कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, नंदन परिवार में तो हौसलों से उड़ान होती है। एंड विद दिस वी हैव कम टू द सेगमेंट ऑफ अवार्ड्स एंड फेलिसिटेशंस। Tonight is a night of celebrations, awards, felicitations of all those luminaries who have made this journey not only nostalgic but also a very remarkable one. We have many of the people here who have been working with Nandan since the beginning, and I would now like to call upon all of them to come up and to receive a small token of appreciation. So I'll be calling them in the categories of years of service. I start with 25 plus years of service. To begin with, I call upon Narayan Naik sir, who has spent 30 years here. मैं चाहती हूँ कि पूरे सम्मान से, पूरे दिल से तालियां हो जाए सबके लिए। Anil Shah sir for 30 years of service to Nandan Parivar. Anil Shah sir. Vasavan PV sir for 30 years of service. Ghanshyam Chaurasia sir for 30 years of service. Shailaja Suvama ma'am for 25 years of service. I would request all of you to please come to the stage the moment you hear your names out. And Mustafa Hussain sir for 25 years of service. तालियों की ये बार दोस्तों रुकनी नहीं चाहिए। कैन वी हैव अ लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज 20 प्लस इयर्स ऑफ सर्विस with Nandan Parivar. And to begin with, I would like to call upon Mukesh Rao sir, who has given Nandan Parivar 24 years. Followed by Rabindranath Yadav sir, for his 24 years of service to Nandan Parivar. Rajnath Yadav sir, for 24 years. Patrick D'Souza sir, for 24 years. Sarita Samre ma'am for 23 years. Shiv Kumar Mistry sir for 22 years. Harendra Jaiswal sir for 21 years of service. And Anish Sheikh sir for 20 years of service. Can we have a loud round of applause for this segment too? We have Vijay Babu Siya sir with 19 years. Mohanan Nair sir with 17 years. Yashwanta Nayak sir with 17 years. Peter D'Souza sir with 16 years. Rajesh Narayan Nayak sir with 16 years. Dinesh Chauhan sir with 16 years. Vimlesh Dasji with 16 years of service. Mahinder Kewat sir with 16 years of service. Saleem Sheikh sir with 16 years of service. Tukaram Kale sir with 16 years behind him. Taaliyon ki baar dosto thamni nahi chahiye, zordaar taaliya. Beautiful, amazing. Yeah.
कहीं दीवारों के चर्चे तो कभी मीनारों के चर्चे, कभी तारीफ के जुमले इधर नहीं आते। ये तो बुनियाद के पत्थर है और बुनियाद के पत्थर कभी नजर नहीं आते सिवाय नंदन परिवार के। यहाँ हर एक बुनियाद को अचीवमेंट की ओर पर रिकग्निशन दिया जा रहा है। With last two to go, I move on to the segment of 10 plus years. With this, I request Rohit Verma sir, with 14 years of service, to please come on the stage. Shailendra Pratap sir, with 14 years of service, please do come on the stage. Ulhas Deshmukh sir, 14 years. Category of 10 plus years. Rohit Verma sir with 14 years. Shailendra Pratap sir with 14 years. Ulhas Deshmukh sir. Sudhir Shetty sir with 14 years. Sanjeev Chauhan sir with 14 years. Vinay Tiwari sir, 14 years. Jai Prakash Jaiswal sir with 13 years. Jayesh Naik sir with 13 years. Ramasri Vishwakarma sir with 13 years. Kishore Shetty sir, 13 years. Colonel K.R. Acharya sir with 12 years. Ramchandra Yadav sir with 12 years. Sanjay Kike sir with 12 years. Satyendra sir, 12 years. Suresh Lazare sir, 12 years. Radhika Anchan ma'am, 12 years. M. Rajan sir, 11 years. So Colonel Acharya was with us from 2010. He served in the army for 25 years in the infantry, front on combat also. He served our nation, made us safe. So first of all, salute on that, sir. And secondly, he was with us for almost 12 years. And then we finally came to know that he has three houses. And he's never lived in any one of them because he was touring all the time. So both his children abroad, he decided to finally take a break and move on to Belgaum. Hence, but we don't consider him like an ex-employee. Hence, we called him along with him in the line. Thank you, sir. Anchan ma'am, for 12 years of service to Nandan Parivar. M. Rajan sir, 11 years. Rajesh Yadav sir, 11 years. Neeraj Yadav sir, 11 years.
Prashant Patil sir, 11 years. Pawan Rajbhar sir, 11 years. And last but not the least name on my list, Raju Bhagirathi sir with 11 years of service. Once again, can we have a loud, thunderous applause, please? Thank you so much. Nandan sir. कैसा लग रहा है आपको अवार्ड पाकर? अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है अभी तो और बहुत साल बाकी और बहुत सारे अवार्ड मिलना बाकी है? जी हाँ, इसी जोश को सलाम है हमारा. We would like to call upon KC Shetty sir on the stage. Jaise bola tha, he was our first customer, first well-wisher, and also dad considered him like a godfather. So unka baal dad se kala zyada hai, but color karte ho. Uncle, please. So, thank you very much. So, actually, appreciation awards is bahut lambe hai, but utna service, I think it speaks measures that hum corporate nahi hai, hum MNC nahi hai, hamara global, you know, branch offices nahi hai. But even then, if people are hanging on, there must be some basics that we're doing right. I would request a few people to come up and share their experiences with Nandan. Technically, like we said, it is, Colonel was here till March working with us and then he moved on. So, Colonel Acharya, I would like for you to give a few words about your experiences at Nandan. In office time mein hamesha he was my colleague and that's I think you know where it was. Lot of contribution. We did Adlabs Imagica project together, lot of defense systems and projects and stuff. So Colonel, a few words about your experiences at Nandan. Good evening to all of you. Actually, I wanted to speak to all of you extempore without noting down or jotting down any points, but then I realized by doing so I'll be missing a lot of things which have happened in the company. If I do not make a mention of it, it would be injustice. पहले तो 30 साल गुजर गए, पूरे नंदन परिवार को शुभकामनाएं 30 साल के सालगिरह पर. A round of big applause for every one of us. परिवार ये शब्द कोई कंपनी में यूज नहीं करते हैं, बट नंदन में यूज हो रहा है, क्योंकि एक अच्छे परिवार में जो गुण पाते हैं, जो क्वालिटीज पाते हैं, ये इस कंपनी में है, इसलिए इसको नंदन परिवार बोलते हैं. बोलने के लिए बोलते हैं 110 आदमी काम करते हैं, लेकिन पूरे परिवार में 600 लोग हैं.
इसमें हमारे वेल विशर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स सब शामिल है, इसलिए इसको नंदन परिवार बोलते हैं। कंपनी मिस्टर कुमार सर ने इसको इसका नींव डाला था, जिसके फाउंडेशन पर, जो मजबूत फाउंडेशन पर एक कंपनी 30 साल में आगे बढ़ता गया। आमतौर पर कंपनी को देखते हैं थोड़े थोड़े कदम बढ़ाते हुए, जैसे छोटा बच्चा उंगली पकड़कर आगे बढ़ता है, इस मुताबिक कंपनी नहीं गया है। इनिशियली यस बहुत धीरे से चल रहा था, लेकिन चलने के बजाय जब दौड़ना शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं लीप फ्रॉगिंग, यानी जंप मारना है, चलना नहीं जंप मारना। कुछ समय बाद जब बाप और बेटे एक साथ मिल गए 2000 में, कंपनी का प्रोग्रेस हमने देखा, वो चलने लायक नहीं था लेकिन दौड़ने कूदने लायक था। इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, या लीप फ्रॉगिंग के तरीके से वो आगे बढ़ गया। छोटा था कंपनी, मैं 1991 में भी देखा था, फिर 95 में आया था, 2000 में, 2005 में, 2010 में मैंने कंपनी को ज्वाइन किया। इधर फौज का काम छोड़ने के बाद जो परिवर्तन मैंने देखा कंपनी में, ये अकेले से नहीं होता है, एक टीम के तौर पर होता है, लेकिन परिवर्तन के लिए भी मार्गदर्शन चाहिए। जो मार्गदर्शन मिस्टर कुमार ने कंपनी के लिए दिया है, और हम सब कंपनी में जो शामिल थे इसको आगे ले सके। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही वो एक चीज होता है जिसको हमें हौसला बढ़ा करके आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। मैं कंपनी को, जैसे मिस्टर रघुनंदन ने बताया कि मार्च में छोड़ के गया था, उस टाइम पर काफी चेंजेस आ रहे थे। आज मैं शाम के दौरान एक बार दोबारा कंपनी में जाके देखा तो टोटली उसको चेंज हो गया था। उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे एक मौत बटरफ्लाई जैसे बन जाता है, मौत होता है एक कैटरपिलर जैसा बटरफ्लाई बनता है, बहुत कलरफुल होता है, इसी मुताबिक कंपनी भी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जो हम सोचते थे मल्टीनेशनल कंपनी जैसे होना चाहिए, उसी तौर पर एक कंपनी आज आगे खड़ा है। ये सब कारण क्या है, मिस्टर कुमार उनका मार्गदर्शन और नंदन परिवार का टीम का जो आगे बढ़ने का इच्छा जो था उसके वजह से हुआ है। लास्ट में, समय ज्यादा नहीं लूंगा मैं, मेरी शुभकामनाएं टीम नंदन परिवार नंदन को है कि आगे बढ़े और लॉरल्स यानी कामयाबियां हासिल करें, और आपके सब परिवार के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जो मार्गदर्शक जैसे बताया था कि मतलब कहीं जाना है तो हम रास्ता जब भी कभी भी रोक के हम पूछ सकते हैं किसी से कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि किधर जाना है, तो उस टाइम पे कोच का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई हैव बीन वेरी लकी दैट आई हैव हैड अ लॉट ऑफ कोचेस। मेरा फर्स्ट कोच देयर वाज अ गाय कॉल्ड मोहित मलिक फ्रॉम दिल्ली, जो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था तभी उनसे मैंने थोड़ा कोचिंग लिया हुआ था। Then I met this guy named Ramaswamy Krishnan, jo I think more like a friend rather than a coach, but I think still importance jo coach ke liye diya jata hai, unse advice leta hu main, and abhi hum log jaise usko implement karke aage badha rahe hain, usme bahut hi important role unhone play kiya hai। Mere aur ek sales coach hai Monish Nair, jo bhi yahan pe baitha hai, जिनसे मैं और मेरा पूरा सेल्स टीम हम लोग कोचिंग लेते हैं, एंड हम लोग कैसे स्ट्रैटेजीज लगा के आगे जाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो वी हैव आर ग्रेट वेल विशर भरत ध्रुव, हु हैज ऑलवेज हेल्प विद द ऑटोमोटिव रिलेशनशिप्स, थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्टोरी, बिकॉज इन हिज एक्सपीरियंस ही इज ट्रैवल्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड वर्किंग विद टाटा मोटर्स के एप्लीकेशन हेड थे। सो उस एक्सपीरियंस को वापस लाके एडवाइस के तौर पे देना, एंड देन इम्प्लीमेंट करने में इंस्पायर करना, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड ऑल्सो वी हैव अ रिटायर्ड मेजर जनरल मोहनदास,
who stays in Hyderabad. He's about 78 now. He's fought three wars, chairman of BDL. But मैं उनको भी मेरा मेंटर मानता हूँ. तो उनसे भी बहुत सारा डिफेंस आइडियाज, क्योंकि कोच और ट्रेनर के बीच में डिफरेंस ये है, ट्रेनर आपको बताता है कि क्या करना है, कोच आपके साथ बैठ के सोचता है कि क्या हो सकता है. तो रामस, आई वुड लाइक फॉर यू टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स टू द ऑडियंस कि नंदन एज अ कंपनी, एज एन MSME में आपको क्या डिफरेंट दिखता है, कि आगे का जो ग्रोथ और जो विजन, जो स्टोरीज, मिलियन ड्रीम्स से कोई भी देख सकता है. आप अगर रस्ते वाला ड्रंकर्ड से भी पूछो तेरे दिमाग में सपना है क्या, वो तो हाँ ही बोलने वाला, क्योंकि सपना तो सब लोग देखते हैं. बट वो सपना लेके कैसे हम लोग एक्शन लेके आगे बढ़ा सकते हैं, उसका ही डिफरेंस होता है कि सक्सेस एंड फेलियर. तो एज अ कोच एंड एज अ फ्रेंड, एज एन आउटसाइडर जो बहुत ही सारे कंपनीज को देखता है, राइट फ्रॉम 10 करोड़ साइज अप टू लाइक मे बी 3000 करोड़ फ्रॉम माई लास्ट काउंट, दैट काइंड ऑफ कंपनीज आर कोचिंग विद हिम. तो आपने क्या अलग देखा नंदन में, मैं कुछ शब्द आपसे बोले. प्लीज वेलकम रामस्वामी कृष्णन और नोन एज रामस. या हाय, गुड इवनिंग. आई थिंक टुडे इज अ डे ऑफ लॉट ऑफ सेशंस एंड पैशंस आई गेस, सो आई विल आल्सो टेक अ फ्यू मिनट्स. आई थिंक मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आई थिंक मेरी ये जो रोल 2-3 मिनट की होगी, इट्स एन आउटसाइडर सेंस पर्सपेक्टिव. अभी तक जो भी आपने देखा, जो फिल्म देखी, but I got a lot of ideas about Nandan from looking at the film and hearing about the past and the story and from him as well. So it's been inspiring, motivating, so that's all about the company and the past. But let me take a few minutes to give you an outsider's lens perspective. Like Raghu said, we work with a lot of owner-managed businesses and we take them on a growth path in a big way. But let me tell you, statistics, if you see, there are not more than 2-3% of companies which really make it big. आप कहीं पर भी सर्च कर लीजिए, किसी भी किताब देख लीजिए, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे कंपनीज हैं, देयर आर करोड़ों करोड़ों के स्टार्टअप कंपनीज हैं. बट करोड़ों कंपनीज के स्टार्टअप में भी ड्रीम होते हैं और उनमें से कोई किसी लोग ही उस ड्रीम को बना के सस्टेन करके ग्रो करके 3 generations के बाद लेते हैं. इनफैक्ट सरप्राइजिंग स्टैटिस्टिक इज दैट इफ यू सी द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योरियल कंपनीज विच हैज लास्टेड 4 generations एंड बियॉन्ड, वो कंपनी की गिनती इतनी कम है कि शायद हाथों में भी गिनती हो जाए. सो दैट इज द परसेंटेज आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? द परसेंटेज इज वेरी वेरी स्मॉल. सो समवेयर अलोंग द वे वी हैव टू सी व्हाट इज इट दैट दीज कंपनीज डू. आज बड़ी बड़ी कंपनी जो बड़े होने के बाद जो करते हैं उन पर किताबें लिखी जाती है, पर हमको ये पता नहीं चलता कि वो कंपनी ने क्या किया व्हेन दे वर यंग. एंड आई एम स्टिल सेइंग नंदन इज 30 इयर्स यंग. सो टुडे व्हेन रघु कॉल्ड मी टुडे, आई एम स्पेंडिंग दिस 2 minutes. It's good to see what Nandan has done in 30 years, but it's very important to see 30 years ke saath hum karte kya hai, right? And I think that is a critical part. So one thing what I wanted to say is that koi bhi company ke past ke saath jab hum baat karte hain, do aur shabd mein baat karna chahunga. One word is called the pain and the second word is called purpose. Mere khayal se pain aur purpose ka antar hi bahut important hai. In fact, Raghu, when he came just a minute ago, he told me gana bahut bura to nahi tha na karke. I think he speaks like a rock star here, right? And it is his audience, his home ground. He gets a lot of audience and a lot of applause here for everything he does. And so also come here, right? But the point is, oh, gana main pehli baar suna tha, actually. I have not heard it. But usme teen shabd mujhe bahut jame. Pehla ye shabd tha crazy, right? Second shabd tha dreams. And third most important was design. I think he asked a question, what is it that companies do differently? I think a lot of people are crazy. A lot of people have dreams. But there are very few people who design those dreams into action. And I think as a design company, as a creative company, I hope Nandan works with an attitude. So let me tell you 3 things about the pain, and then I will finish with the purpose and wrap it up and move on. If I look at the pain, there are 3 things I wanted to stay here. First thing is, if you look at the market, Nandan is in the projects market. It is in the made to order market. And like Raghu said, hum log kabhi bhi L1 nahi rehte, hamesha thoda price lete. These are difficult paths that we have chosen. We are purposely choosing to follow pain. We want to deliver, and a projects market is always difficult because it has long cash lead cycles. I'm sure all of you know, and I know many of you personally over the many, many years, that long cash lead cycle, suppliers are here who are helping them. Customers change their mind all the while. Quality control is much more difficult. So rather than a standardized product, a custom project is always more difficult. And therefore, from the customer point of view, industry point of view, we have chosen to follow the painful path. That is part number one.
Point number two is Nandan as a company decides to follow processes for everything. And sometimes I pick up a lot of fight with him on that, right? So very often we sometimes choose to do things which seems to be the longer and the more painful way. In fact, when you come into this place, you actually see a lot of Nandan here. Somebody writing down, everybody taking care. You have to stand for a photo whether you like it or not. So everything we do in Nandan follows a process. And let me tell you, following a process is the more difficult way to grow. Right? Especially in a projects business, it's very, very easy to do jugad. And we in India are great jugadus, would you agree? Right. So jugad karke grow karna hamara khoon mein hai. पर वो जुगाड़ू एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट्स में तो वेरी कॉमन है बट प्रोजेक्ट्स में जुगाड़ ना करते हुए प्रोसेस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट विल सीम लाइक अ जेन्युइन पेन एंड लेट मी टेल यू ऑल ऑफ अस हियर विल रियलाइज इट इज अ पेनफुल वे टू ग्रो एंड लेट मी नॉट ब्रेक इट डाउन इट इज अ पेनफुल वे टू ग्रो एंड द थर्ड थिंग विच मैटर्स फर्स्ट इज आई सेड द मार्केट सेकंड इज द कंपनी एंड द थर्ड थिंग इज द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ राइट एंड आई सीन द पास्ट एंड व्हेन आई लुक एट रघु ही डज हैव क्रेजी ड्रीम्स राइट And very often one needs to slow him down and say, yeah, you go with a particular pace. But it is those crazy dreams that sometimes get us to do the impossible. So here is a combination of all three pain points that I want to summarize, which I've seen. Because now with Nandan, out of these 30 years, about 12 years? Yeah, one way or the other, 12 years I've known Nandan. So I've seen a lot of it. So, but here is the difference, therefore. I want to end with the second P, which is the purpose. I'm sure all of us have studied for exams for subjects that we hate. Yes or no? हमारे एग्जाम की सिचुएशन तो काफी बेकार होती है कि नहीं राइट बहुत थक जाते हैं सिमिलरली शॉपिंग जाते हैं या कोई बकवास काम के लिए जाते हैं तो दोनों हाथ में वजन उठा के आते हैं तो बहुत बुरा लगता है वी फील टायर्ड वी फील पेनफुल वी फील इरिटेटेड घर आके गुस्सा होता है तो पेन बहुत इरिटेटिंग लगता है पर बिना कोई झिझक हम उससे भी ज्यादा वजन बैकपैक पे लेके ट्रेकिंग में जाएंगे दोस्तों के साथ है कि नहीं या फिर हम क्रिकेट मैच खेलते हैं कुछ फनी चीज करते हैं अच्छी चीज करते हैं तो हम ज्यादा टायर्ड होते हैं ज्यादा पेन लेते हैं पर दुखी नहीं होते सो इट इज नॉट द पेन दैट मैटर्स पेन नेवर मैटर्स इट इज द पर्पस फॉर विच द पेन इज टेकन दैट मैटर्स सो व्हाइल व्हाट वी आर डूइंग इज जेन्युइनली पेनफुल आई थिंक दीस काइंड ऑफ सेलिब्रेशंस विच इज बिल्डिंग द बिगर पर्पस इन माइंड तो टुमारो वी आर गोइंग टू गो बैक टू फायर फाइटिंग कल जाके वापस कस्टमर से झगड़ा करेंगे दोस्तों से झगड़ा करेंगे डिपार्टमेंट्स फंक्शन करेंगे वी विल हैव फाइट्स फ्रॉम टुमारो But if you remember in this pain that there is a larger purpose, there is a larger dream, then you know the same weightlifting will become muscle building. And that is my hope. That is my prayer. I think the market opportunity is there. The company is doing well. The promoter has a lot of aspiration. So he asked for an outsider's view. So on behalf of all the outside ecosystem, whether it be customers, suppliers, let me take this opportunity to wish Nandan the very best. And may you transform into a better place. All the best. हिमेश भाई ऊपर आएंगे हिमेश भाई I mentioned that more important than even bankers, हमारे लिए suppliers बहुत important है because they come and stand by us only on the belief. Banker तो फिर भी collateral लेता है, but from that count, I think one of our very old suppliers who's been supplying to us almost for about 25 plus years, their father has started with supplying to dad and they are continuing. So Himesh and Tejas, I think Himesh wanted to speak a few words. Aapke upar. Acha Tejas. Okay. All these successes in all these 30 years. Would not have been possible if company didn't have someone like you both leading us from the front. If there is ever a corporate history written on this company, it will start and end with you both. You both have brought so many successes for this company. Congratulations for creating a new history.
May you stay true to your ethics and mesmerize the world with your work. Congratulations on the 30th anniversary of the company. May God bestow us with blessings. All 30 years were successful because of you and all the staff members' contribution. Your dedication and creativity can only be matched with an unquenchable thirst for success. On this special day, I want to congratulate all of you for yet another great year. You started with a few, but now you are many, not only in numbers, but also in talents and creativity. You are surely destined for the biggest corporate successes in history. A big congratulations goes to you both on this special day. It has been our pleasure to work with you. We have been associated with Nandan Group for more than 20 years, and there has not been a single day where we regret it. Each one of them have shown immense cooperation and support, right from the man himself to the staff. We really hope to continue this relation for many more years. The success you have achieved all these years is an inspiration for all of us. I hope to spend many more years with Nandan Group Company and celebrate Golden Jubilee anniversary with you. Thank you. Journey mein customer is also important sometimes for all the time. Customer is the one who actually is the one for whom we exist. We deliver value and we get value back from them. So last year we met a customer called Transfer International. Ye apne time pe bahut hi bade like company the. They were leading engineering companies, etc. So they shut down their operations way back in 2011. And even after that, the two young brothers, उन्होंने बोला कि we wanted to continue doing business because market available उनके पास था. So they had an order and they came to us. And in the last 1 year, it seems they are part of Nandan. And as a customer, it's you already reaching, I think within some time lifetime value number two or number three for us. So is that important कि what customer segment we've been giving for flight kitchens? 30 साल से हम लोग high level बनाते आ रहे हैं. और इनका एक प्रोडक्ट और एक ऑर्डर एक्चुअली हमारा नंबर थ्री वैल्यू पे पहुंच गया. सो कीपिंग दैट इन माइंड आई वुड रिक्वेस्ट द चेयरमैन ऑफ द कंपनी हबीब फुतेली सर. ही इज यंग लाइक आई टोल्ड यू ही इज ओनली 78 एंड ही इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम जू फॉर दिस फंक्शन. सर आई वुड लाइक फॉर यू टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स एज अ कस्टमर. व्हाट डू यू सी इन नंदन एंड व्हाट शुड बी अ वे फॉरवर्ड. Good evening, all of you. Good evening, Kumar Sahab, and good evening, Raghu. Thank you very much for inviting me here in this very prestigious and happy occasion. And I see a wonderful audience here in front of me, and I'm very happy to be here. I bring from my partner, Mr. Murad Fateli, and his wife, and my wife, all the good wishes for Nandan. And Kumar Sahab, congratulations to you and Raghu, and not only to Kumar Sahab and Raghu, but also to their families and the whole team of Nandan people. Ramaswamy Sahab and all those have dealt with the more important things in this short talk, but I think people are forgetting one thing which I would like to mention here. Whenever a company grows like this, Ramaswamy Sahab has mentioned pain. Yes, there is a lot of pain and there is a lot of joy, but we should not forget
our women folk who share this pain with us and help us to build us such big companies. And my big hand to all the family and their support. I think I have nothing more to say except congratulations once again and wish you all the best in future. And that's my end. Thank you. Thank you so much for being so. So there is one segment of company that so there is just one segment that we talked about. We looked at the entire point. The main point of a company is not just the owners, is not just a building, is not just a product, is not just delivery. It is about people. It is about all of them. Team Nandan mein jo ek ek hue hain, right from the people who are no more there, because 30 years mein, it's been a long time. Main bhi recently Ambala gaya tha, to wahan pe I spoke to one of dad's oldest people. He's a very old Sardarji named Karan. Karam Singh ji, Karam Lakshman Singh. So I spoke to him and, unko jabhi, unse jabhi baat hua, unka umar abhi about 89 ke aaspas hoga. Unko phir bhi aaj yaad tha, unhone aaj phone karke bola ki, Rahul ji, sorry, main aaj aa nahi paya. Maine unko bola tha ki ticket bhejta hu, aap aa jaiye. But he still couldn't come. But that shows, how much of bonding has been there. He worked till he was about 78. Factory mein kaam kar rahe the, worker the wo. And last mein humne, in fact, उनको बोला कि अभी रिटायर हो जाइए क्योंकि डेंजरस टाइम्स है. बट एन एम्प्लॉई इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन व्हाई अ कंपनी कैन ग्रो और कैन फॉल. इट्स बोथ वेज. सो उस टाइम से मैनेजमेंट एक लेवल पे जो विजन लेता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए आई थिंक द एम्प्लॉई बेस दैट वी हैव, आई रियली काउंट ऑन देम एज माई ओन फैमिली. आई थिंक ऑल ऑफ यू डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर सेल्फ. थोड़ा और लाउडर अपने आप के लिए और अपने भाई बहनों के लिए ही ताली बजाएं. सो आई वुड लाइक फॉर यागिनी टू गिव अ फ्यू वर्ड्स ऑन व्हाट हर एक्सपीरियंस हैज बीन विद नंदन. 4 इयर्स से हमारे साथ ये काम कर रही है तो उसको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था, बोल रही थी. तो हियर यू आर, यू कैन शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस. Hello, hi everyone. It feels so good to be here. First, what is a congratulations, Raghusav? Congratulations for completing 30 years. It's such a happy moment to all of us in Team Nandan. We are so much privileged that you have honored each one of us for completing 25 years, 2019, and most of them I have closely worked with. I feel so good and so proud to be here. Today I'm just standing because of my Team Nandan only. Every one of you have played a great role in my life and all the youngsters' life who's just struggling to come up. So I just take this opportunity to just thank all of you. And I wanted to say a few things, right, on behalf of Team Nandan especially. Bade sir, there are more employees who have worked more than 25 years, 20 years. And the way he has brought them till here is the only thing, the trust he has on all the employees and his humble nature. And he can definitely make a coal into a diamond. That's what everyone agreed and they have given me to tell this. And coming to Raghu sir, it is for our youngsters in which we have to say, he just finds the right talent. It can be either a woman or a man. In my personal experience, I always had an incompetent feel where I cannot speak like this or I cannot work. Even with a customer, I didn't have that much
what is the exact word, the guts to speak. But he will find the right talent. He will not help you or he will tell you do this or do that. He'll just put you in a sea. You have to just swim and come up. That was the opportunity I had from Team Nandan and from technical side, each one of the seniors who are here. I don't want to mention any one of the name because I will miss out. Maybe I'm just feeling a little bit nervous here. That's why. But I'm thanking each one of our seniors who have been so supportive to all of us. And we are feeling so good today. And everyone is very happy and smiling. And to all the families especially, to whomever house we go from Team Nandan, you can't even see a dry face. They just greet us so well and just give us so nice food for us to eat. So thank you for all the families and our coaches. They have just guided us. Without them, I think we cannot be here. They have guided us very well where we are going in a very right path. So thank you all of you. And thank you, Vadis. Thank you. Professor Krupanand wants to, I think, recite or sing something. Welcome here. So Professor Krupanand has been a motivational coach for us, me as well as Nandan. He's wanted us to break barriers and go and set up habits, set up goals, go and make the foundation of whatever we did stronger and stronger since 2014. Since when I met him for the first time, I think he's been there in every Nandan day. Sir, on to you. Ladies and gentlemen, it's my privilege to be here on this fantastic, beautiful evening. Sri J.C. Kumar, the architect of Nandan Parivar, and his next successor, Raghunandan. I met this crazy guy in 2014. I started his coaching, personal coaching, life coaching, and business coaching with him. Let me tell you, ladies and gentlemen, every life and business goes through the four stages: farming, storming, norming, and performing. This person, first habit I inducted in him, that to get up in the morning. Can you believe? From 2013 onward till date, that is 1st December 2021, every morning I wish him 4 o'clock good morning and I give my response 4:30 a.m. without break. Every day, every week, every month, every year, year after year. This is consistency. This is the foundation of this one. And Nandan Group, Nandan family, Mr. Kumar, I would like to share that you are blessed with a dynamic son. And Mr. Raghu, you are also blessed with a dynamic father. Friends, being a life coach and business coach, I'm not going to speak anything. This, remember me, story, a poet, the lyrics, a ghazal, which is written by Zafar Gorakhpuri, who born in 1935 and wrote in 1970. This ghazal, the first stanza goes to the grandfather of J.C. Kumar's. Second stanza goes to the father of J.C. Kumar. Third stanza goes to Mr. J.C. Kumar, and fourth stanza goes to Mr. Raghunandan Joshi, the dish from J.C. Kumar. So here we go. If I'm not a professional singer, I'm a learner. I learned this when I got Corona on 13th March 2020-21. During that Corona, I came across this particular one. I hope you will like. If you like, don't stop to give the applause. And if you don't like, it's forgive me as a musical student. So with kind permission, I would like to start. Yeah.
Hey, Aane Wali Naslon, Aane Wali.
जो दुख का साथ अपने तुमसे करीब ना, जो भी लझे भी हमने तुमको नसीब ना, जिस तरह पीड़ते जिंदा वो जिंदगी की मैच तुमसे ना कोई लेता, तुम जिस तरफ से गुजरो मेरा वो रोशनी रासायन को मौसम केसरी सदा, हम तो सुकून को तरसे पर सुकून बरसे आनंद हो दिनों में जीवन के एक गोपिका कोच कोई आवश्यकता नहीं, यू वर सुपर्ब एंड एवरीबॉडी एंजॉयड योर परफॉर्मेंस। एंड नाउ वी हैव कम टू द केक कटिंग सेरेमनी टू सेलिब्रेट 30 ग्लोरियस इयर्स ऑफ नंदन एंटरप्राइजेस। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, पूरे दिल से गाइएगा हमारे साथ। We request Kamya to please come on stage here for the cake cutting ceremony. You're being missed, Kamya. We look forward to having ma'am on stage. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. For 30 years of celebration and success. Happy birthday to you.
सिंगिंग का जो इनका सेकेंड हाफ ऑफ द प्रोग्राम अभी चालू होने वाला है टू थिंग्स वन आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मिस्टर कुमार टू नाउ स्पीक अ फ्यू वर्ड्स टू यू विद हिज यू नो ऑन द ओकेजन टुडे ऑफ आवर 30th बर्थडे मिस्टर कुमार गुड इवनिंग grateful for all of you to come here even though it is raining outside and the condition is bad. I'm especially thankful for Mr. K.C. Shetty who is the first man who has introduced me to Nandadham from where I started my factory. I'm grateful for you. Thank you very much. And besides that we have a lot of customers like Taj, Oberoi, Ambassador and Air India. They have supported me. Even though I was a raw fellow, they had confidence on me. The confidence on me is so much from even Tata Escort. Even I hadn't any factory, they had given some export orders. Likewise, Mr. Murad and Transway has given order on completely on our ability to deliver the things. So I hope to do a lot of things like that and I want your blessings all through that. That is the only thing. I thank you very much for everybody to come. I end my speech very shortly. Thank you. Thank you so much. मैं जितना लंबा बोला उतना सर ने टाइम कम कर दिया ओके केसी शेट्टी अंकल वांट्स टू स्पीक सर ओके बाय द वे ही इज आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ द बंड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया राइट नहीं नहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडस्ट्री I think busy man, but still he found time to come for us. Thank you, uncle. Please. Yeah. See, I am actually, my name is K.C. Shetty. And we are running an industry called Lumens Group of Companies. We are into manufacturing of lighting products. Earlier, we used to do fluorescent, CFL. Now we are doing LED fixtures. And we said it in our own brand also. That is Lumens brand. Plus, you know, we supply to almost 10 OEMs. Mr. Kumar, you know, I want to tell you about Mr. Kumar. Kumar, ko, I always call him Badji because actually they are very respected family from our south because they are close relatives of Archakas of Katil Sri Durga Parameshwari Temple. He is actually a navy of that Katil Asaranna. He has been, you know, actually, you know, he's a big priest from our side. Kumar, I know him for the last 35 years. And my friend, Mr. Purandar Shetty, has introduced him to me. At that time, he had just left Sayan Garage. And he wanted to start some business. And, of course, you know, Raghu told he has done one this loft. He has made three lofts for me. Two at Goregaon and one at Nandadham. And all three are still today, it is, you know, very healthy, like Nandan Enterprise. You know, it is still very strong and
you know, of course, he has built it with passion. Even, you know, when I was asking how much money I had to pay, Kurle Shetra, you know, we speak in Tulu always. He always says, Kurle Shetra, whatever you pay, it is okay for me. From there, you know, how he has grown, you know, that is the big story. He has started my different loft in Nandadham. Then he started in a very small place, backside of the Nandadham Industrial Gala. Then from there, he has purchased one gala, and from there he has grown to this level. And you know, even I met Raghu in our puja, I think it is in 1986, I think he was a student. That time also, even he was asking, you know, so me, he was asking me so many questions about business. So by seeing him now, that time also he was talking very, you know, he was talking for hours. Here also, you know, he spoke very well, and he has, you know, explained his journey and all. So I always wish him very good luck, and he'll come up in life. And also, you know, I advise him, take care of your old parents very well. And, you know, they are the people, you know, who has, you know, so you have to take care of them. In actually अपना कुमार साहब है वो हिंदी में बोलेगा तो एकदम सीधा साधा आदमी है भगवान का जैसा आदमी है and very sincere, very straightforward. Even in business also, suppose if he doesn't actually, you know, if the costing is not correct and all, if the quality is not good, he will say, I'm not interested in the business. So इतना सीधा आदमी है. And he has grown well, and I'm very happy, and all the best. Raghu, you do well and come up in life. Thank you. Thank you so much, Krishna. Appreciate you so much. So, for the next part of the program, Jinesh Bhai will continue with the songs, and one by one, piche dinner boxes are there, so you can have whenever you want, but the stage is yours, Jinesh Bhai. One of your favorite songs, sir, you have to be here with me. It's a song that which Raghu sir had expressed his KBA mujhe gana sunna hai. If you just practice it yesterday night, Raghu sir, let's begin the second half from that. And then we come. I want you here only, Raghu sir, with this microphone. On my stage. But I'm not singing, Baba. You guys are singing. Singing, I'll be along with you. Yeah, of course. But you are the main singer now. To take a moment to recognize all our lovely musicians out here, we have Romeo Lewis on drums here. Thank you. Sandeep Pawarji on hand sonic. Mr. Digambarji on the octopad, please. Razorda Dalia, please, for Digambarji also. Wow, thank you. We have Srinivas Oksar on guitar here. The lead guitarist, Mr. Srinivas Oksar, please.
Can we have a pretty much evening? Thank you. And our band leader today is this evening, Deepak Sonani, sir. Come on the keyboards, please. Thank you. Okay, I request Raghu sir, family, and the near all the first core team members to join in for a lovely two song. I'm going to say, Jira, house lights on, kar dijiye, please. I want the house lights, please. I want to sing a lovely song for you. Come on. Huh. I need to call your... all there? Oh. Such a beautiful leader, Vajradhi was telling us. You know, fantastic. He's taken the onus of his company. And I was talking to one of his teammates here and they were all appreciating him, his the kind of love they share and his discipline also. So lovely friend for everybody. A lovely song to him. From all my musicians and Nandan to him. Bye, bye. Come on. Tere jaisa yaar kahan, mera aisa yaar I need madam to be here with you. She's here. If she can come. She's not here. Okay. Sangeeta, come over. If somebody sees Sangeeta, please get her here. Sangeeta, come here. Sangeeta. Until the time family comes here, you know, seriously, a heartfelt note that I would like to share is we as artists perform in thousands of musical programs, thousands of programs, thousands of events. But this one, I think, is really close to us. यही कहूंगी आप सबके लिए कि दिलों की भी अपनी आशा होती है कभी आशा तो कभी निराशा होती है हमने भी देखा है दुनिया में कम ही ऐसे लोग जिनसे बार बार मिलने की अभिलाषा होती है You have been lovely rocking audience for us tonight. Thank you all very much. Thank you, Nandan family also. Last song of today's evening, and I want to sing this for the entire Nandan family, what he said. There are moments of, you know, ups and downs and everywhere in everyone's life. But we have to be strong enough to hold it together. Audience light hogi. Thank you.
म्यूजिकल ग्रुप हु हैज कम इन मैं जैसा बेचता हूँ वैसा खरीदता भी नहीं हूँ लाइक आई सेड L1 वाज नेवर अ क्राइटेरिया इन चूजिंग यू बट द मैंने जब इनका लाइक यू नो प्रोग्राम के यूट्यूब पे एक्सेट्रा देखे थे तभी अच्छा लगा था सो दैट्स व्हेन वी स्पोक एंड मैंने उनको फर्स्ट मीटिंग में बताया था आपको कहीं तो देखा है तो पता भी नहीं चला था कि कहाँ कुछ भी लिंक निकला नहीं था तो आज ऐसे ऐसे बात करते हुए पता चला कि 1997 में तभी मैं सुमाया कॉलेज में था एंड हम लोग ने सिम्फनी तभी सिम्फनी नाम का हमारा फेस्टिवल होता था सिम्फनी में जब हमने ऑर्गेनाइजिंग किया था तो उस साल के फेस्टिवल का पूरा लाइट्स एंड साउंड दिनेश भाई ने दिया तो मेमोरी इतनी भी खराब नहीं हुई है तो लिंक हुआ ही है कि आई काइंड ऑफ रिमेम्बर्ड कि वी हैड मेट एंड व्हाटएवर बट आई थिंक ऑल ऑफ यू गाइस हैव बीन फैंटास्टिक थैंक यू सो मच फंक्शन विष्णुदास नाट्य गृह में करने का ही डिसीजन एक रिस्की डिसीजन था कि हमको मालूम नहीं था कि कोरोना में करने मिलेगा नहीं मिलेगा हम लोग अगर ऑर्केस्ट्रा करेंगे कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे एक्सेट्रा बट रिस्क लेके हमने मतलब किया था विद ऑफ कोर्स विद प्रॉपर प्लानिंग के साथ एंड इन दिस वे वी वर एबल टू डू इट आई थैंक एवरीबडी इन द ऑडियंस जो भी खाना खाए बिना यहाँ पे बैठे बाकी सब आई थिंक खाना खाने को गए तो आई थिंक अपने अपना बुक बांधा उसके लिए थैंक यू वेरी मच बट यस डे रेन की वजह से थोड़ा इधर उधर हो गया है तो इट्स अ लॉन्ग इवनिंग आई मीन डैड एंड मॉम ऑलमोस्ट थक गए निकलने के लिए रेडी हो रहे बट उनकी ओर से भी मैं बोल रहा हूँ कि लाइक यू नो दिल से आभारी हूँ टीम का आप सब लोगों का जो आए एंड जो देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम तो ये हमारे लिए भी कुछ नया था कि नंबर वन नंदन ने पहले बार कभी कोई बाहर ऑर्गेनाइज किया फंक्शन वो भी इतने बड़े ऑडिटोरियम में सेकेंडली हमारा लाइव स्ट्रीम भी चालू था तो बहुत सारे लोग जो आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ सिटी है एक्चुअली लिखे थे कि हमको आना है हम आ नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट लाइव स्ट्रीम हो गया काफ़ी लोग लाइव अभी भी देखते होंगे बट ऑल इन ऑल जर्नी बहुत ही फंटास्टिक हुआ है तो आज का सेलिब्रेशन उसी के लिए था कि रुक के 30 साल का जो भी मेहनत हुआ है उसके लिए रुक के यू नो पैट ऑन द बैक करे एक मीन हर एक आदमी अपने आप को एंड एक दूसरे को भी क्योंकि डिफिकल्ट जर्नी था बट बेसिकली हम आगे के सालों के लिए प्लान कर रहे हैं एंड वहाँ से करते करते वी ऑल गो टुगेदर तो संगीता वेयर डिड यू गो कम अप हमें तो बात नहीं तो ऑल दिस वाइल जो सपोर्ट फैमिली से जैसे मैंने बोला हुआ था पहले भी फैमिली सपोर्ट स्पेशली संगीता के साथ अभी ऑलमोस्ट इतने सारे साल हो गए एंड स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग सो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट यू गिवन टू मी ऑल दिस वाइल 12 नहीं टेक्निकली मैं 2006 से ही गिनूंगा जब भी तक मिला 12 तो शादी या टॉर्चर का चालू तो शीज ऑलवेज बीन देयर एंड नंदन परिवार हमेशा उसका भी है अभी मम्मी रोल पे तो नहीं आई है बिकॉज नंदन परिवार मोर लाइक भाई बहन है हम लोग भी जवान ही है मम्मी के एज तक आने तक डिफरेंट ही होगा बट थैंक यू वंस अगेन जैसे बोला पीछे डिनर वॉज सर्व सो डिनर बॉक्सेस में था बिकॉज इट्स एन ऑडिटोरियम
एंड अभी म्यूजिक हमारे हमने म्यूजिक के ऊपर थोड़ा और टाइम तक कब्जा किया हुआ है तो टीम नंदन आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू गाइस टू स्टे बिहाइंड सो दैट वी कैन डांस टुगेदर रेस्ट एवरीबॉडी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टीम नंदन विल स्टे एंड प्ले रिकॉर्डेड म्यूजिक नॉट लाइव म्यूजिक वी डोंट वांट टू ट्रबल देम एनी वोट ऑफ थैंक्स यशवंत नायक यशवंत He needs to be called in. He needs to give the vote of thanks. Yashwant? Before the vote of thanks, I would just say a few words for Noesis Concepts who have introduced my team to Nandan Group and Raghu sir. A very big thank you to Noesis Group and Advertising Agency. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. And of course, Vishnudas Bhave Natya Gruha. It looks like it's not a municipality owned Natya Gruha. Hai. So, it is, I think, the way they've done the renovation, the way they kept it clean, kaise unhone maintenance kiya, I think, fantastic job. NMMC, Vishnudas Natya Gruha team. Congratulations. One clap for them, please. Equally to all my technical staff, all LED screens, light sound, MR sound. Narendra, thank you so much. Thank you. Thank you very much. So, I would like for you for introducing Yashwant to you. Yashwant is, he joined me as an intern in 2003. And today he's my GM operations. So, Nandan mein growth path definitely is there. Great journey by Yashwant with all his hard work. Congratulations, Yashwant. So even after that, he gets his volunteer badge on his arm, and abhi khada rehke yahan wahan rehke kaam kara very much in the same mold. So I would like for him to give a few vote of thanks to all of you and your views. Sabhi log ko, mera doston ko, mera saha partiyon ko, mera senior ko, mera junior ko, sabhi ko. और जो भी इधर आए हुए वेल विशर्स सप्लायर क्लाइंट और सभी कोचेस को मेरा प्रणाम बोलता हूँ और नंदन में जो कुमार साहब और रघु सर के साथ जो जर्नी था मेरा 17 साल का वो बहुत ही बड़ा जर्नी है और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मुझे उन जैसे गुरु बोलते हैं मेंटर गुरु बोलते हैं क्योंकि बोला गया है पहले का जमाने में गुरु के बिना कुछ होता नहीं है गुरु नहीं है तो आगे आदमी बढ़ नहीं सकता है तो ऐसा गुरु मिला था मिले हैं और आगे भी और मेरा सीनियर्स जूनियर्स मेरा गुरु बने हैं तो उसके लिए थैंक्स बोलना चाहता हूं और सभी मेरा दोस्तों को थैंक्स बोलना चाहता हूं नंदन परिवार के साथ रहने के लिए और आगे भी रह के नंदन का नाम और ब्रांड सबसे ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए थैंक यू ऑल सो आफ्टर डिनर वील टेक अ 10 मिनट ब्रेक फॉर डिनर फॉर श्योर बाद में यशवंत ने सब बंदे लोगों को बुलाओ नाचने के लिए कॉल एवरीबॉडी ओवर थैंक यू वंस अगेन वेलकम आई एम कमिंग डाउन एंड मीटिंग एवरीबॉडी अरे वो पैदल लेके आ रहे हो अच्छा हो गया उनके हिसाब से मैं रह गया नहीं आज इधर ही था नेहरुल में खड़े खड़े होता है मेरा काम